हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। MBMMSCT 2023 के स्टूडेंट हो यार। MBMMSCT की जो यार एग्ज़ाम आप लोग की ओवर हो चुकी है। तो यार देखो, अब स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। अब आप लोग की सबसे पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, थोड़ा टाइम है रिजल्ट डिक्लेयर होने को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यार टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं और टोटल कॉलेजेस में सीट्स कितनी होती हैं, तो चलो बात करते हैं। तो कुल मिला के यार टोटल कॉलेजेस जो है वो 300 कॉलेजेस जो है MBA CET के में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आप जब एग्जाम के थ्रू ये लोग सारे कॉलेजेस जो है आपको एडमिशन देंगे। तो 300 कॉलेजेस है, काफी ज्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये पूरे हर एक जगह के होंगे, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, धुले, यवतमाल, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। फिर टोटल सीट्स कितनी होती है, ये 300 कॉलेज में कुल मिला के 36,000 से 40,000 जो है आपको सीट्स देखने मिलेगा, ठीक है। तो मतलब यार ठीक है, हर साल का इतना ही वेरिएशन रहता है, सीट्स में कोई इंक्रीज नहीं है और स्टूडेंट भी हर बार के लगभग जितना ही है। तो यार मोस्ट प्रोबेबली जो यार स्टूडेंट जो जितना अच्छा स्कोर करेगा, जैसे यार जिसको 90 अबव है यार, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे जो कि यार उसका ड्रीम होगा। और बाकी 80, 70, 60 वालों को थोड़ा सा यार जब काउंसिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके के कॉलेज रखें जिससे उनको उनके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिले। जो कि यार मैं सारी लिस्ट आपको देता रहूंगा जिससे आपको कॉलेजेस के बारे में पता चल जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।